एक ऐसा मंदिर जहां स्वयं माता का शेर आकर दहाड़ता है, और जब वह दहाड़ता है तो इस जगह आता है भूकंप। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना विचित्र और खास रहस्यमय मंदिरों की जानकारियां लेके आते हैं, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही चमत्कारी मंदिर के बारे में। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, और हिंदू धर्म बहुत विस्तृत है। इसमें अनेक देवी देवताओं का पूजन भी किया जाता है। किसी देवता की पूजा शुभता के लिए की जाती है, तो किसी देवी की पूजा भक्ति कामना और धन प्राप्ति के लिए की जाती है। वही माता भगवती दुर्गा सबसे प्रमुख है। माँ को अलग अलग रूपों से यहाँ पूजा जाता है। भगवती के इतने सारे नाम और अलग अलग नामों से बने मंदिर इसका बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। वहीं हम आपको माँ के एक अद्भुत रूप के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों के बीच गिरिजा देवी मंदिर, जो कि सुंदर खाल गांव में स्थित है, जो माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों में से एक है। वर्तमान में इस मंदिर में गर्जिया माता की 4.5 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही माता सरस्वती, गणेश, बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियां भी मुख्य मूर्ति के साथ स्थापित है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो मुख्य तौर पर आकर्षण का केंद्र है वो है माता का शेर, जो बहुत कम लोगों को ही दिखाई देता है, और जब ये दहाड़ता है तो इस जगह आता है भूकंप। दोस्तों, इस परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहीं पर हुई खुदाई के दौरान मिली थी, और कहा जाता है यह 1000 साल से भी पुरानी है। उत्तराखंड का यह प्रसिद्ध मंदिर रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर छोटी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जहां का खूबसूरत वातावरण शांति का एहसास दिलाता है। देवी के प्रसिद्ध मंदिरों में गिरिजा देवी का स्थान कुछ खास ही है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हीं का नाम गिरिजा देवी के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि वर्ष 1940 से पूर्व यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों और स्थानीय छुटपुट निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा गया, और उन्हें माता जगजननी की इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगल क्षेत्र, टीले के नीचे बहती कोसी नदी की प्रबल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, और जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्त जन इस स्थान पर माँ के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, जंगल के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि टीले के पास माँ दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता है। एक बार शेर को इस टीले की परिक्रमा करते हुए भी कई लोगों ने देखा। अब इसे चमत्कार माना जाए या संयोग, कहा जाता है एक बार माता के शेर ने यहाँ पर दहाड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ भयंकर भूकंप आया था। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो इसका अलग ही कारण प्रतीत होता है, लेकिन भक्तों की आस्था माँ दुर्गा के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में सबने यही माना कि उस शेर की दहाड़ से ही यहाँ भूकंप आया था। दोस्तों, कहते हैं कि कार्तिकेय पूर्णिमा को गंगा के स्नान के पावन पर्व पर माता गिरिजा देवी के दर्शन और पतित पावनी कौशिकी यानी कोसी नदी में स्नानार्थ भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसके अतिरिक्त गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, बसंत पंचमी भी काफी संख्या में यहाँ पर भक्त जन आते हैं। पूजा के विधान के अंतर्गत माता गिरिजा की पूजा करने के उपरांत बाबा भैरव की पूजा भी करना यहाँ फलदायी माना गया है। यहाँ ये भी कहा जाता है कि भैरव की पूजा के बाद माँ गिरिजा की पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए इस मंदिर में पहुंचने से पहले आपको भैरव जी की पूजा करनी होगी, उसके बाद ही माँ गिरिजा की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि अगर आपकी भक्ति के दौरान आपको शेर की दहाड़ सुनाई दे तो यानी कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भविष्य में इस खास मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकेगा मत। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।